हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज भट्ट अपने यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को डिफिनेशन का परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि सब लोग हम लोगों से पूछते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले कहते हैं कि इसका डिफिनेशन बताओ, आप साइंस का डिफिनेशन बताओ, आप सेंटेंस का डिफिनेशन बताओ, आप सब्जेक्ट का डिफिनेशन बताओ, टेंस किसे कहते हैं। तो हर चीज़ों में बात लोग करते हैं, तो सबसे पहले लोग डिफिनेशन बताते हैं, लेकिन शायद बाद ये कभी कोई नहीं बताता कि आखिर में डिफिनेशन कहते किसे हैं, डिफिनेशन बनता कैसे है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि डिफिनेशन कहते किसे हैं। सर्वप्रथम हम डिफिनेशन में देखें तो डिफिनेशन मीन्स डिफाइन होता है, या दो शब्दों डी प्लस फाइन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर डी का मतलब डाउन होता है, डी का मतलब डाउन होता है, फाइन मतलब वेरी गुड द एक्सीलेंट, वी कैन से, अर्थात वी कैन से। इस तरह से हम कह सकते हैं डिफिनेशन वह चीज़ होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ की गहराइयों में जाकर, जिसमें हम किसी भी चीज़ की गहराइयों में जाकर उसका अपने शब्दों में बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका उसको बताते हैं, तो वही डिफिनेशन कहलाता है। मीन्स वी कैन से प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डिफिनेशन, प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड डिफिनेशन। किसी भी चीज़ का बहुत ही परिष्कृत रूप, सुंदर रूप प्रस्तुत करना, अपने शब्दों में बता देना ही डिफिनेशन कहलाता है। एक महान फिलॉसफर प्लेटो के अनुसार डिफिनेशन के दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट होते हैं जीनस एंड डिफरेंसिया, जीनस एंड डिफरेंसिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जीनस लिखा है एंड आ डिफरेंसिया, डिफरेंसिया होता है, जहाँ पे जीनस का मतलब क्लास होता है, क्लास का मतलब आ ग्रुप ऑफ एनी थिंग और एनी पर्सन, मतलब व्यक्तियों का या किसी भी चीज़ का समूह होता है, मतलब किसी खास चीज़ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है जो उस चीज़ से संबंधित होता है। डिफरेंसिया का मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट का मतलब कि कैसे कोई चीज़ जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम डिफिनेशन बताते हैं, वह अपने समूह में दूसरे चीज़ों से भिन्न है, कैसे वो दूसरे समूह से अलग है। इस तरह से हम पाते हैं कि डिफिनेशन दो शब्दों डी प्लस फाइन से मिलकर बना है, डी का मतलब डाउन होता है, फाइन का मतलब वेरी गुड एक्सीलेंट होता है। इसके दो पार्ट होने आवश्यक हैं, एक जीनस और एक डिफरेंसिया। जीनस का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का ग्रुप होता है, समूह होता है। डिफरेंसिया जो उसको अलग करता है दूसरे अन्य चीज़ों से होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा YouTube पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब यदि आप करेंगे तो हमारे और भी ओकेजनल वीडियो जो मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोगों की जानकारी में वृद्धि होती रहेगी। यदि आप लोगों के पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाह रहे हैं, या हमारा वीडियो कैसा लगा उसको साझा करना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।